सैलरी मांगने की मिली सजा, नाबालिग की हत्या करने के बाद कर दिए थे सब के 6 टुकड़े, किलर सालू झारखंड से गिरफ्तार। मियावाली इलाके में मई 2018 में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को झारखंड के गुमला इलाके से दबोचा है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सालू टोपनो उर्फ सारू के रूप में हुई। आरोपी ने सैलरी के पैसे मांगने पर 15 साल की किशोरी की हत्या करने के बाद सबके 6 टुकड़े कर दिए थे। बाद में सबको एक बैग में डालकर नाले में ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सालू लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। कोर्ट ने आरोपी को भगोरा घोषित किया हुआ था। स्पेशल सेल की टीम पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त पीएस कुशवाहा ने बताया, आरोपी सालू टोपनो प्लेसमेंट एजेंसी के लिए काम करता था। वह झारखंड और बिहार से घरेलू सहायिका का काम करने के लिए लड़कियों को दिल्ली लाता था, बाद में इनको काम पर लगवा दिया जाता था। वर्ष 2015 में आरोपी 12 साल की किशोरी को काम के लिए दिल्ली लाया। यहां उसे काम पर रखवा दिया गया, लेकिन काम के बदले उसे सैलरी नहीं दी गई। 2018 में किशोरी ने झारखंड वापस जाने की इच्छा जाहिर करते हुए आरोपियों से अपनी सैलरी मांगी। उस समय पीड़िता के 2,00,000 रुपए बन रहे थे। पीड़िता ने आरोपियों से जोर देकर रुपयों की मांग की। रुपये न देने पर शिकायत करने की धमकी दी। इस बात पर आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर दफ्तर में ही सिर पर वार कर किशोरी की हत्या कर दी। बाद में सबके बड़े छुरे से 6 टुकड़े कर दिए। सबको एक बैग में डालकर पास के एक नाले में ठिकाने लगा दिया गया। 17 मई 2018 को मियावली नगर अब पश्चिम बिहार वेस्ट थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी सालू लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। लोकल पुलिस के अलावा स्पेशल सेल की टीम भी आरोपी की तलाश करती रही। छानबीन के दौरान एसीपी अतर सिंह, इंस्पेक्टर शिव कुमार, पवन कुमार, एसआई राजेश व अन्य की टीम को खबर मिली कि आरोपी सालू गुमला झारखंड स्थित अपने गांव में छिपा हुआ। जानकारी जुटाने के बाद फौरन एक टीम को गुमला भेज दिया गया। शुक्रवार को आरोपी को उसे गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को दिल्ली लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पिछले करीब 4.5 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। दिल्ली से DailyNewsOnline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट।